तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 1192 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में आज कोरोना से 13 लोगों की मौत हो गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 37,139 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर के 460 पहुंच गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज अल्मोड़ा में 30, बागेश्वर में 13, चमोली में 67, चंपावत में 9, देहरादून में 440, हरिद्वार में 19, नैनीताल में 203, पौड़ी में 52, पिथौरागढ़ में 49, रुद्रप्रयाग में 15, टिहरी में 19, उधमसिंह नगर में 117 और उत्तरकाशी में 39 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 37,139 हो गई है। वहीं बड़ी खबर आई है उत्तराखंड सचिवालय के एक अधिकारी की कोरोना से आज मौत हो गई। तो उत्तराखंड सचिवालय में कोविड 19 से पहली मौत का मामला सामने आया है। सचिवालय में खनन अनुसचिव हरी सिंह को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह एम्स में उनकी मौत हो गई। तो बड़ी खबर आई है ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर दर्दनाक हादसा, नदी में गिरी गांव जा रही ग्रामीण की कार। तो ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपली खाड़ी के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में 5 लोग सवार थे। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को जिला चिकित्सालय बैराड़ी में भर्ती कराया गया, जबकि 2 लोगों को खाड़ी CSC में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। तो जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम को हाईवे पर उपली खाड़ी के पास एक मारुति कार संख्या UK07Z1792 अनियंत्रित होकर के सड़क से 30 मीटर नीचे हेवल नदी में गिर गई। दुर्घटना का पता चलने पर स्थानीय लोग राहत एवं बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचे। हरिद्वार से खबर आई है, जहां पे पुलिस के सारे दावे फेल, हर की पेड़ी पर स्नान और तर्पण को उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। तो हरिद्वार में पितृ अमावस्या के मौके पर तर्पण के लिए बड़ी संख्या में लोग हर की पौड़ी पहुंचे। कोरोना संक्रमण के चलते पुलिस के पहरे के बीच स्नान, श्राद्ध और तर्पण की व्यवस्था की गई थी, लेकिन पुलिस के सारे दावे फेल हो गए। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ी हैं। वहीं खबर है, मां पूर्णागिरी धाम को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की मांग, मंदिर समिति ने विधायक को ज्ञापन सौंपा है। तो कोरोना के चलते चंपावत जिले के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी धाम लंबे समय से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बंद है। ऐसे में मंदिर समिति ने इसे श्रद्धालुओं के लिए पुनः खोलने की मांग की है। धूमधाम से मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन, सीएम ने किया पुस्तक का विमोचन। तो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर महानगर भाजपा कार्यालय में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी के जीवन और प्रधानमंत्री कार्यकाल से जुड़े कार्यों को स्लाइड शो के माध्यम से दिखाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महानगर भाजपा की मन की बात एवं ई पुस्तिका का विमोचन किया।